मैंने कोई भी काम किसी और के पैसे से नहीं किया. आई हैव डन एवरीथिंग दैट आई हैव डन विद माय ओन मनी. जब से इक्विटी मार्केट्स आई है और जब तक रहेगी, एक सिंपल रूल हरदम रहेगा, वो ये है आप नीचे खरीदिए ऊपर भी. इक्विटी मार्केट में हम एक चीज बोलते हैं जो हमें हम भैया बुलाते थे राकेश झुंझुनवाला जी को, उन्होंने हमें समझाई कि भाव भगवान होता है. आज 26-27 साल के लोग डीमैट अकाउंट खोलते हैं, विच इज वेरी गुड राइट. लेकिन मेरे को ये देख के बहुत दुख होता है कि आते ही उनको एफएनओ में करना. अरे आपको डिलीवरी का धंधा समझ नहीं आता, आपको कैश का धंधा नहीं आता, आपको बाय एंड होल्ड समझ नहीं आता, आप सीधे एफएनओ में आ जाते हो मार्जिन लेके. यू नो दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगर ये इंडिया का ईयर नहीं है, इंडिया का डेकेड है, कई बोलते हैं ये इंडिया की सेंचुरी आ गई है राइट. वी आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग 2047 पे वी विल बी द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. जो आदमी इक्विटी मार्केट में नुकसान नहीं ले सकता है वो पैसा नहीं बनता. इलॉन मस्क ने बोला है एआई दुनिया को खत्म नहीं करेगी, लेकिन जो एआई यूज करेगा ही विल बी मोर पावरफुल. तो आपके पास जब चैलेंज आता है इतना भी मत झुकिए कि आदमी टपली मार के ऊपर से निकल जाए. हैव योर विजन इन प्लेस. He's a co-founder of Money Control and now the co-founder and CEO of a very well-known equity market research platform called Markets Mojo. With me today is Dr. Mohit Batra. Mohit, thank you for joining us today and welcome to 5 Paisa. Thank you so much for the introduction and thank you so much for having me here. All right. So, first of all, from Money Control, making, setting up the whole Money Control, making it, and to Markets Mojo. Like, how's the journey been? What all things have happened? How's the journey altogether? Well, बहुत लंबी जर्नी है, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, बहुत लर्निंग्स हैं, बहुत लर्निंग्स आगे लेनी भी हैं. मनी कंट्रोल हमने शुरू किया था 1997-98 में. उस टाइम देर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंस. ये सेविंग्स वॉज FD, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टर्स को पता नहीं थे कि म्यूचुअल फंड होता है, इक्विटी होता है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं. तो मनी कंट्रोल उस टाइम पहली वेबसाइट हमने बनाई थी जो पर्सनल फाइनेंस से डेडिकेटेड थी. इनफैक्ट उस टाइम हम एक कैरिकेचर वहाँ रखते थे विच वॉज मनी विज. वो बाद में हटा दिया था तो मनी कंट्रोल यूजर्स ने उसको देखा नहीं होगा जो लेटेस्ट हैं, लेकिन एक मनी विज होता था जो चश्मा पहन के आता था और बोलता था कि आपको क्या पूछना है पूछिए. वी डिड दिस इन 97-98. सो उस टाइम हम लोग पैसा कैसे बनाएंगे साइड से हमें कुछ आइडिया नहीं था. हम सिर्फ इसलिए वो कर रहे थे क्योंकि इन्वेस्टर्स को कुछ पता नहीं था और इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना था कि किसी तरह से अगर इन्वेस्टर्स कैन पार्टिसिपेट, जो हमारी ये इक्विटी मार्केट की डबल डिजिट स्टोरी है, वो अगर डबल डिजिट स्टोरी में इन्वेस्टर का रिटर्न बनता है तो वो फिर भी FD में 6% पे 5% पे क्यों डाल रहा है, ये वो एक क्वेश्चन आता था. तो हमने ये पर्सनल फाइनेंस की वेबसाइट चालू की. उसके बाद ऑब्वियसली वो 2-3 साल हमने खुद चलाया, फिर हमारा CNBC से टेक ओवर हुआ. देन आई वाज विद CNBC टिल 2004 रनिंग मनी कंट्रोल. एंड उस टाइम वो जो 3-4 साल थे मनी कंट्रोल बिकेम मेजरली इक्विटी ओरिएंटेड बिकॉज वो CNBC का एक परछाई आ गई उसके ऊपर, तो वो पूरा स्टॉक मार्केट रिलेटेड वेबसाइट बन गई. तो पर्सनल फाइनेंस से बिल्कुल अलग हो गए और स्टॉक मार्केट न्यूज उस टाइप की वेबसाइट बन गई. तो हमारा वो ड्रीम नहीं था, हमारा ड्रीम वो नहीं था कि ये पूरा एक दूसरी इकोनॉमिक टाइम्स या यू नो दूसरी फाइनेंशियल एक्सप्रेस या एक इक्विटी मार्केट रिलेटेड साइट बन जाए. और वो क्लाइंट को एडवाइस नहीं दे. आज भी आप देखेंगे तो मनी कंट्रोल क्लाइंट को एडवाइस नहीं देता है बिकॉज वो मीडिया साइट है. लेकिन हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं था. हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम उसको एडवाइजरी साइट बनाए. सो 2004 आई लेफ्ट मनी कंट्रोल एंड देन आई जॉइंड एन इंश्योरेंस कंपनी एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. हेल्थ केयर इंश्योरेंस किया मैंने. वो मैंने 2 साल तक किया. उसके बाद मैंने एक बैंक ज्वाइन किया, ABN AMRO बैंक, जहाँ पे मैं HNI कस्टमर्स उनके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता था. आई वॉज द कंट्री हेड फॉर वैन गॉग प्रीफर्ड बैंकिंग ABN AMRO बैंक. देयर आई गॉट एक्सपोजर ऑफ ट्रूली बिकॉज हम तो जब मनी कंट्रोल चालू किया था बिल्कुल बच्चे थे. एक वो ड्रीम था तो बनाया उसको राइट, बट इतना नॉलेज नहीं था.
we had a lot of passion for finance, but passion was not the only thing that is required. You also require a lot of knowledge. Hmm. And I think true knowledge came in by working in companies which were larger, even hmm. Amro badi company thi. To wahan pe maine wealth portfolio pura unka dekha, wo bahut bada portfolio tha. Kam se kam 15-20 hazar crore ka portfolio, us time ki baat kar raha hu ye main 2006-2007 ke aas paas ki. Aur uske baad I joined मोतीलाल ओसवाल, आई वॉज देयर डायरेक्टर फॉर वेल्थ. मैंने उनका वेल्थ बिजनेस सेट किया, उनका जो PMS का इनिशियल AUM था वो रेज किया, प्राइवेट इक्विटी का AUM रेज किया, वहाँ भी लार्ज पोर्टफोलियो था. एंड आई लुक्ड एट ब्रोकिंग वेरी क्लोजली एट दैट टाइम. ब्रोकिंग वॉज द ओनली थिंग दैट आई हैड नॉट लुक्ड वेरी क्लोजली. सो ब्रोकिंग बहुत क्लोजली देखी. एंड फाइनली अराउंड 2009-10 almost entrepreneurial wapis experience hua when I moved to PMS field, which is Alchemy Capital Management, in which Rakesh Jhunjhunwala ek partner the, Rashid Sangvi the, Hiren Ved the, ye partners the uske, aur unka ek chota sa PMS tha jo mujhe badhana tha. To maine unko join kiya aur main unke sath kam se kam 6 ya 7 saal tha. To wo bada ek AUM bada kuch 5-6000 crore ka वो मैनेज किया मैंने ऑन इक्विटी. ये सब करने के बाद पुराने दिन वापस आ गए. एज के साथ यू नो यू देयर आर लर्निंग्स जो प्रोफेशनली आती हैं. वेरी फ्यू पीपल गेट द चांस टू से आई वांट टू करेक्ट व्हाट आई डिड रॉन्ग ओवर द लास्ट 20-25 इयर्स. मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मुझे लगा कि मैं करेक्ट कर सकता हूँ और मैं किसी के पैसे को वेस्ट नहीं करूंगा, अपने पैसे से करेक्ट करूंगा इसको. सो एक वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स आते हैं वो प्राइवेट इक्विटी लेते हैं, VC लेते हैं, सीड कैपिटल लेते हैं और फिर बिजनेस चालू करते हैं और वो बिजनेस यू नो चलाते हैं उसी हिसाब से, क्योंकि पैसा अपना नहीं होता, किसी और का होता है. मैंने कोई भी काम किसी और के पैसे से नहीं किया. आई हैव डन एवरीथिंग दैट आई हैव डन विद माय ओन मनी, क्योंकि उससे कन्विक्शन आता है, उससे आप जो करेंगे उसका कॉन्शियसनेस आता है और आप जो भी करेंगे वो एक पूरे दिल से होता है वो काम. तो वो जो काम था, मैं और मेरा पार्टनर जॉयसन थॉमस, हम दोनों मनी कंट्रोल का भी पार्टनर थे. मैंने जब मनी कंट्रोल छोड़ा तो जॉयसन बिकेम द CEO. जॉयसन वॉज CEO टिल 2015. तो हम दोनों ने साथ ही वापस से चालू किया मार्केट्स में जो, एंड हमारा एक ही एम था कि हम सोशल वर्क करने आए हैं. वी आर कमिंग बैक एंड ट्राइंग टू डू सोशल वर्क, बिकॉज जैसे मनी कंट्रोल में कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था, वैसे हमारा यहाँ भी कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था. हमें पता नहीं था हम पैसे कैसे बनाएंगे. दोनों में हमने पैसे बहुत बनाए, लेकिन यहाँ भी हमने जब चालू किया था तो हमें कुछ आइडिया नहीं था हम करेंगे क्या ऐसा. हमारा जो ग्राउंड था जिसपे हमने चालू किया वो बहुत सिंपल था. ये जो इंडस्ट्री है, एडवाइजरी इंडस्ट्री जो और रिसर्च इंडस्ट्री है, इसका कंस्ट्रक्ट ही गलत है. और हम आज तक यही बोलते आ रहे हैं कि शुरू से ही कंस्ट्रक्ट गलत है इसका. तो ये कंस्ट्रक्ट जब गलत होता है, इसमें रिटेल इन्वेस्टर कभी पैसा बना ही नहीं सकता. ओके. आप कुछ भी कर लें, ये कंस्ट्रक्ट चेंज होगा नहीं. क्योंकि ये पूरा कंस्ट्रक्ट ग्लोबली ऐसा ही है और अभी ऐसे ही चलने वाला है. मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है. जो भी ब्रोकिंग में रिसर्च चलती है वो पहले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए चलती है, बड़े इन्वेस्टर्स जिसको बोलते हैं. FIs होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होती हैं. तो ब्रोकर्स जब रिसर्च करते हैं तो वो पहले देखते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो सिर्फ बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे. तो अगर इंडिया में 4000 के आसपास लिस्टेड कंपनीज हैं, वो जो रिसर्च होती है वो सिर्फ 100-150-200 पे होती है. आप किसी भी ब्रोकरेज है उसको देख लीजिए, बड़े से बड़े 100-200 से ऊपर नहीं जाएंगे वो. क्यों? बिकॉज 90% उनका रेवेन्यू तो वहीं से आ जाता है, इंस्टीट्यूशनल रेवेन्यू वहां से आता है. और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है उसको अगर आप 8-10% डॉलर टर्म में रिटर्न दे देंगे उसको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वो आते हैं US से, उनको आप तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होता था उस टाइम. तो अभी उनको अगर 7-8% मिल जाए डॉलर टर्म्स में तो बहुत बढ़िया. और ये लार्ज कंपनीज, बड़ी कंपनीज, टॉप 100-200 कंपनीज पे रिसर्च करके उनका 8-10% बन जाता है. इंडिया में वैसा नहीं. इंडियन इन्वेस्टर्स को अगर 6-7% भी FD में मिलता था तो उनको जब तक 15-20% रिटर्न नहीं मिले वो बोलते हैं हम रिस्क क्यों लें. और सही भी बात है,
आप रिस्क क्यों लेंगे? लेकिन 15-20% रिटर्न वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो बड़ी कंपनीज में शायद नहीं हो, तो आपको शायद मिड कैप या शायद स्मॉल कैप की तरफ जाना पड़े। लेकिन उस पर रिसर्च नहीं थी उस टाइम, आज भी नहीं, आज भी उस पर रिसर्च नहीं है। तो एक तो ये है कि सारा जो इंडस्ट्री है ये सिर्फ वो सबसे बड़ी 100-150-200 कंपनी उसके पीछे भाग रहे हैं। दूसरा जो इनको रिसर्च करता है उसको बोलते हैं एनालिस्ट। एनालिस्ट के ऊपर होता है फंड मैनेजर, फंड मैनेजर के ऊपर होता है चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। ये एनालिस्ट की आप लाइफ देखेंगे तो एनालिस्ट अपनी पूरी जिंदगी में 40 साल में 2 या 3 सेक्टर को एनालाइज करता है और उसमें कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 25-30-40 कंपनी वो देखता है और उसको शाबाशी या इंसेंटिव कब मिलता है जब वो बाय कॉल देता है। सेल कॉल पे ब्रोकिंग नहीं चलती है, बाय कॉल पे चलती है। तो अगर मुझे पता है कि मेरे सेक्टर पे अगर मैंने और मेरे स्टॉक पे बाय कॉल नहीं दूंगा तो सेल्स वाला वो कॉल नहीं ले जाएगा और इंस्टीट्यूशन को नहीं दिखाएगा और ब्रोकरेज पैसा नहीं बनेगा, ये पूरी एक साइकिल बन गई है। तो हर एनालिस्ट को हर टाइम अपना सेक्टर बुलिश लगता है। तो ये हर रिटेल इन्वेस्टर की स्टोरी है कि मैं जब भी हर बार आप किसी भी इन्वेस्टर से बोलेंगे मेरा हाथ ऐसा है कि स्टॉक पे लग गया तो स्टॉक नीचे जाता है। आपने सुना होगा, मैं भी यही कहता था। सारे इन्वेस्टर कहते हैं कि बॉस हम तो इतने अनलकी हैं कि जिस दिन खरीद लिया हमने वो स्टॉक नीचे गया। वो आपका अनलक नहीं है, वो रिटेल इन्वेस्टर का है क्योंकि उसके पहले पोजिशन बिल्ड हो चुकी है। राइट, उसमें पहले पोजिशन बिल्ड हो चुकी है तो आप लास्ट में जाते हैं और लास्ट में निकलते हैं। एक तो वो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ऐसा है। दूसरा 80% ये पूरा का पूरा जो एक्विटी मार्केट्स में पैसे बनाने का तरीका है, इट इज नॉट जस्ट रिसर्च, इट इज नॉट यू हैविंग अ गुड एडवाइजर, इट इज हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर इन योर हेड। आपने कितने जनों ने जब मार्केट नीचे होती है आपने खरीदी की है? अब तो थोड़े इन्वेस्टर्स लेकिन वो क्या होता है कि वो लगता है कि ये तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। मार्केट अगर 10% नीचे है तो ऐसा लग रहा है कि 3 महीने के अंदर ये जीरो हो जाएगा, यू नो इस हिसाब से गिर रहा है मार्केट। वो नहीं होता है। आप किसी भी साइकिल में, आप जब से इक्विटी मार्केट्स आई है और जब तक रहेगी, एक सिंपल रूल हरदम रहेगा, वो ये है आप नीचे खरीदिए ऊपर बेचिए। लेकिन हम नीचे बेचते हैं ऊपर खरीदते हैं क्योंकि वो ग्रीड और फियर होता है। फियर में आदमी आगे नहीं जाता है, ग्रीड में आदमी बेच देता है। तो ये जो चीजें हैं, और ग्रीड में आदमी खरीदता है इस केस में, ये जो चीजें हैं ये बहुत ह्यूमन इमोशन डिपेंडेंट है। तो हम वी वॉन्टेड टू मेक अ प्लेटफॉर्म मार्केट्स में, जो आज दुनिया की सिर्फ एक ही कंपनी है जो हर स्टॉक पे रिसर्च देती है। So there are 4,000 stocks, we cover all 4,000 stocks on a real-time basis. Right? Okay. हम ये सारी data science से करते हैं, fundamental analysis, 5 साल का balance sheet, P&L, valuations, fundamental analysis which in the longer run cannot go wrong because अगर कोई company fundamentally strong है 5 साल से और अच्छे results declare कर रही है, value भी ठीक है उसका, technically अच्छी zone में है, तो वो sooner or later will do good. Simple hypothesis है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। हमारे इक्विटी मार्केट में हम एक चीज़ बोलते हैं जो हमें हम भैया बुलाते थे राकेश झुंझुनवाला जी को, उन्होंने हमें समझाई कि भाव भगवान होता है। भाव भगवान मतलब गॉड इज इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक। अगर आप भाव को पढ़ना सीख गए तो आपको भगवान मिल जाएगा। तो कई बार हमारा फंडामेंटल कॉल अगर किसी स्टॉक पे स्ट्रॉन्ग बाय है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसका जो भाव है वो नीचे जाते जा रहा है, तो हम निकल जाते हैं उसके अंदर से क्योंकि भाव भगवान है। सो ये जो सारा इकोसिस्टम है, ये डेटा का इकोसिस्टम है, ये जो सारा कॉम्प्लेक्सिटी है दुनिया का आज, राइट? अब आप यूक्रेन में कुछ हो रहा है, फिर आपका यूएस में कुछ हो रहा है, वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है, इधर हो रहा है, क्रूड में कुछ हो रहा है, इसका इम्पैक्ट आपकी कंपनी पे क्या होने वाला है, ये कोई एनालिस्ट without the help of data science will not be able to tell you, and that is the reason we feel that the ye pura jo complexity and world is becoming like one large ball ki yahan pe kuch aur yahan impact aaya isko kaise pakdenge bahut servers hain
बहुत काम होता है इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट कोरिलेशन क्या है, रिग्रेशन क्या होता है, अगर प्राइस ऐसे बढ़ता है तो इसका क्या होता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, वो सब करके एक इकोसिस्टम हमने बनाया 8 साल पहले बनाया था एंड वी आर डूइंग वेरी वेल टुडे. वी गिव रिसर्च टू ब्रोकर्स, 2 मिलियन कम से कम 20 लाख इन्वेस्टर मार्केट्स मुझे पे आ चुके हैं. कई लोग सब्सक्राइब करते हैं हमारी प्रीमियम सर्विसेज को और कई लोगों ने 40 40 50 साल के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है प्रीमियम सर्विस. सो तो ये हम करते हैं एंड वी डू इट विद फुल ऑनेस्टी एंड वी आर वेरी ओपन. कभी हमसे गलती हो जाती है तो हम बोल देते हैं गलती हो गई कॉल पे. मुझे याद है मार्केट्स मोजो मैंने पहली बार कब देखा था, दैट जो मेरी मेमोरी है वो है बीएससी पे, क्योंकि एज एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट जब भी आप इक्विटी में आते हो सबसे पहले आप बीएससी खोलते हो, बीएससी पे आपको दिखता है. तो जिस तरह से वहां पे चीजें लिखी होती थी दैट वाज वेरी सिंपल. तो मुझे लगता था कि यार ओवरऑल सारी चीजें इतनी सिंपल क्यों नहीं हो सकती है, लाइक यू नो यू जस्ट रीड इट, आपकी आंखें पड़ती हैं एंड योर आईज लाइक यू नो जो डेटा पकड़ती है. तो इट वाज ऑलवेज लाइक कि हम सर्कुलर्स देखने के लिए खोलते थे लेकिन वहां पे मार्केट्स मोजो के इंफॉर्मेशन दिख जाती थी. सो दैट इज माय मेमोरी ऑफ मार्केट्स मोजो. नाउ आपने ये कहा कि पर्सनल फाइनेंस नहीं होता था, सो लाइक व्हाट रियली व्हाट वाज दैट सीड जब आपने मनी कंट्रोल बनाया था, वाज इट लाइक आपको लगता था कि पर्सनल फाइनेंस इतना नहीं है इंडिया में, आपने खुद ने आपको इन्वेस्ट करना था और नहीं था, व्हाट लेड टू लाइक मेकिंग दैट मनी कंट्रोल, वाज इट लाइक वेबसाइट बनाना, क्या था उस टाइम? मैं मनी कंट्रोल से पहले मैं टाटा इंटरेक्टिव सिस्टम एक कंपनी होती थी टाटा सन्स की, उसमें काम करता था. तो मैं आई थिंक पहला आदमी हूँगा जो वेबसाइट बनाना चालू किया होगा जिसने इंडिया में. मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज की 3-4 वेबसाइट बनाई थी. वेबसाइट लोगों को पता ही नहीं होता था वेबसाइट होती क्या. तो उस टाइम प्रेजेंटेशंस वगैरह सीडी में जाती थी, यू नो उस टाइम टाइम ही नहीं था वो. तो वो वहाँ से मैंने वो फाइनेंशियल सर्विसेज की वेबसाइट बनानी सीखी एंड देन पर्सनल फाइनेंस. मेरे हिसाब से पर्सनल फाइनेंस आज भी नहीं हो रहा है. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आपके पास 1 लाख रुपए है जो आपने इन्वेस्ट करना है, सिंपल एग्जांपल है. आप उसके अंदर से 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, मैं 50,000 करता हूँ, ठीक है, मेरे पास भी 1 लाख रुपए है. आपका 30% रिटर्न आता है, मेरा 20% आता है, पैसे किसके ज्यादा बने? हार्ड लाइन पैसे तो मेरे ज्यादा बने क्योंकि मेरा एलोकेशन सही था. तो पर्सनल फाइनेंस बताता है कि आपका क्या एलोकेशन होना चाहिए, इक्विटी मार्केट्स में क्या एलोकेशन होना चाहिए, डेट में क्या एलोकेशन होना चाहिए, लायबिलिटी खत्म होने के बाद आपका क्या एलोकेशन होना चाहिए. अगर आपको यही करना है कि यार रात को एक बात कर सकते हैं दोस्त से कि तेरा क्या हुआ स्टॉक का, मेरा का, गेम खेलना है तो अलग बात है, पैसा बनाना है तो वो नहीं बन सकता. एक 10x स्टोरी मैंने की थी, वो यूजर्स को साइट पे मिल जाएगी अगर उनको देखना है. वो ये बताती थी कि आप जिंदगी में अगर 45-50 साल कमा रहे हैं और अगर आप 10-15-20% शुरू से इक्विटी मार्केट में एलोकेट कर रहे हैं तो आपने जो कमाया है 40 साल में, लेट्स अज्यूम 40 साल में टोटल आपने 10 करोड़ कमाया है टोटल, राइट, और अगर आपने ये सेविंग डाल दिया उसके अंदर विच इज 15-20% और मार्केट ने अगर आपको 12-13% का रिटर्न दे दिया 40 साल, ठीक है, तो आप कंपाउंडिंग, तो आपने जो 10 करोड़ रुपए कमाए थे, खर्चा नहीं बोल रहा हूँ, बचाने वाला नहीं बोल रहा हूँ, पूरा कमाया आपने 10 करोड़ रुपए, उसमें से फिर आपका खर्चा हुआ, बच्चे हुए, घर बना, गाड़ियां खरीदी, वो सब अलग है. ये जो कमाया था आपने, आप जब रिटायर करेंगे आपके पास 100 करोड़ होंगे. ये जो मैथमेटिक्स है, ये जो नंबर है, ये इन्वेस्टर को समझ में आना चाहिए. यही हमारी कोशिश थी मनी कंट्रोल के टाइम, आज भी वही 20 साल बाद हम फिर वही कोशिश कर रहे हैं. लेकिन वो कोशिश वही है कि अगर आप इसको समझ गए तो आप डेली का देखो ही मत मार्केट किधर, क्योंकि आप तो 40 साल डाल रहे हो ना. आपको क्या करना है, आपके पास जितना भी बचे, 5% सैलरी से बचे, 10% बचे, 15% बचे, आप मंथली डालते रहो उसको और आप भूल जाओ उसको. और आप जब 60 साल की उम्र में चेयर पे बैठे होगे और अखबार पढ़ रहे होगे चश्मा लगा के इससे मोटे वाला, तो आप देखोगे, जब आप बोलोगे जिंदगी में मैंने 10 करोड़ कमाए थे और आज मेरे पास 100 करोड़ जेब में खर्चने के लिए. हम लोगों को बोलते हैं जो हमारी ऐप यूज करते हैं या जो हमारी साइट पर बोलते हैं, हम डेली आते हैं. मैंने बोला आप आते क्यों डेली, क्या काम है आपका डेली आने का, आने नहीं चाहिए आपको, आपको एक साइट पे जाने नहीं चाहिए डेली, क्यों जाते हो आप,
आप देखते हो आज पोर्टफोलियो ऊपर, आज पोर्टफोलियो नीचे, आज पोर्टफोलियो ऊपर, आज पोर्टफोलियो नीचे, ये मतलब फायदा ही नहीं है ना। 6 महीने में एक बार आइए आप साइट पे टू चेक कि जो फंडामेंटल्स सही थे, जो मैंने लिखा, कोई कंपनी बदलनी है, हर क्वार्टर कर लीजिए बस, उसको छोड़ दो आप। तो मतलब ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बिल्कुल। आपका पहला ट्रेड क्या था, या फिर आपका ऐसा लगा कि ये मेरा पहला इन्वेस्टमेंट है जो आपने ज्यादा क्वांटिटी में किया था, या पहली पहला ही जो आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया था? मेरे फादर ने मुझे 1,00,000 रुपए दिए थे 2001 या 2002 के पास। उन्होंने बोला था बेटा ये तेरी शादी के लिए रखे हैं, तो अगर तेरे को ग्रैंड शादी करनी है तो ये 1,00,000 इन्वेस्ट कर, और नहीं तो 1,00,000 से कर लेना शादी। तो मैंने, आप मानेंगे नहीं, 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया और वो 20,000 हो गए। इसलिए मैंने लव मैरिज नहीं की। अच्छा। बट वो 20,000 हो गए। तो मेरा जो पहला इन्वेस्टमेंट था, रुकी इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, यू नो, बिल्कुल रुकी। मनी कंट्रोल चला था तो उस टाइम। हाँ। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास टूल्स नहीं थे, सब टूल्स थे। लेकिन जहां वो जो दिमाग होता है आदमी का, हम लोग, मोस्ट ऑफ माई रिटेल इन्वेस्टर्स कम फ्रॉम वेरी मॉडेस्ट बैकग्राउंड। मैं भी, मेरे फादर इंजीनियर थे, मेरी मदर स्कूल टीचर थी। तो हम लोग जब 1,00,000 रुपए डालते थे, अगर वो 2,000 रुपए कम हो जाते तो बोलते 2,000 रुपए कम हो गए, ओ 4,000 कम हो गए। अब ये आप भले मनी कंट्रोल बनाओ या कुछ भी करो, ये जो माइंडसेट है, बिकॉज हम लोग ये माइंडसेट से मतलब नुकसान नहीं करना। आज 26-27 साल के लोग डीमैट अकाउंट खोलते हैं, विच इज वेरी गुड, राइट। लेकिन मेरे को ये देख के बहुत दुख होता है कि आते ही उनको एफएनओ में करना है। अरे आपको डिलीवरी का धंधा समझ नहीं आता, आपको कैश का धंधा नहीं आता, आपको बाय एंड होल्ड समझ नहीं आता, आप सीधे एफएनओ में आ जाते हो मार्जिन लेके। आप सेबी की रिपोर्ट देख लीजिए, 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स टुडे आर लूजिंग मनी। आप जीरोधा नितिन कामत, बहुत रिस्पेक्ट है मेरा उनके लिए, आप उनकी देख लीजिए, वो बोलते हैं कि जो मेरे ओवर 95% ऑफ द कस्टमर्स को एफडी रिटर्न 3% भी नहीं मिलता है। तो ये जो नए डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, इतना जो हंगामा हो रहा है इस देश में, हो रहा है किस लिए हो रहा है भाई? पैसा तो बन नहीं रहा इन्वेस्टर का। तो इसीलिए हम तो बोलते हैं बस तुम ट्रेडिंग करो ही मत, इन्वेस्टमेंट करना है ना, सिंपल इन्वेस्टमेंट एक फिलॉसफी है। जैसे एफडी में करते हो इधर रखो, जैसे एफडी में आप लोग नहीं देखते हो, जरूरत पड़ती है तो आप देखते हो, तोड़ते हो एफडी, ये भी नहीं देखो, जिस दिन आपको जरूरत है उस दिन तोड़ो, उस दिन ये मत देखो मार्केट ऊपर नीचे, आज जरूरत है मुझे पैसे की थोड़ा मैं निकाल लेता हूं, अब मेरे पास पैसा है तो मैं डाल देता हूं। इसमें टाइमिंग एक ही है, आपके आपको पैसे की जरूरत है तो आप निकालो, आपके पास पैसा है तो डालो, वही टाइमिंग है और कोई टाइमिंग नहीं, नो अदर टाइमिंग वर्क्स। तो जब आपके 1,00,000 से 20,000 हो गए, आई वाज स्टक देयर, तो आपका एलोकेशन गलत था? नहीं, पर उसके बाद मैं बहुत सीखा उस चीज को। यस, सो व्हाट वर योर लर्निंग्स? या एलोकेशन गलत था, क्या एलोकेशन? मेरा पूरा 100% 1,00,000 ही मेरी सेविंग थी, तो मैंने 100% इक्विटी में एलोकेट किया, ठीक है। लेकिन मैं चिल्लर स्टॉक देख रहा था, मैं पेनी हंटिंग कर रहा था। दैट टिपिकल दैट रिटेल इन्वेस्टर जो सबसे पहले जाके लगता है कि सस्ता स्टॉक खरीदते हैं, 10-20 रुपए में ज्यादा पैसे बन जाएंगे, ज्यादा स्टॉक्स आ जाएंगे, वॉल्यूम। बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि 5 रुपए वाला स्टॉक 10 रुपए का हो सकता है, लेकिन 500 वाला 1,000 नहीं हो सकता। सेम है, दोनों का सेम परसेंटेज है, लेकिन वो परसेप्शन ऐसी होती है। तो मैं वो परसेप्शन पे खेला था और वो पेनी स्टॉक से मेरा पाउंड पेनी ही हो गया, मेरे पास जो पैसे थे वो भी पेनी ही हो गए बिल्कुल। तो वो एक सीख आई थी, लेकिन इसी के 2 साल के बाद मेरी जो पहली गाड़ी आई थी वो इक्विटी मार्केट से आई थी। You have worked with Mr. Jhunjhunwala. How was it like? He is known like the Warren Buffet, and हमने जब you know when we think about him, we talk about him, it's always कि इंडिया स्टोरी में बिलीव करने वाले वो, आई थिंक he's the first one to make everyone else believe about India. Right. See, वो भैया जैसे इंसान कभी हुए ही नहीं मेरे हिसाब से, तो मैंने उन जैसा इंसान कभी देखा नहीं। मैं फील्ड की बात करता हूँ, इन फाइनेंशियल सर्विसेज हमारा जो रिस्पेक्ट है उनके लिए वो बहुत ही अलग लेवल पे है। हम कुछ लोगों ने, और मैं इनके साथ, उनके साथ बहुत क्लोजली काम नहीं किया लेकिन काफ़ी क्लोजली काम किया। तो नाउ मेरे को याद है, मैं उनके सामने जब पहली बार प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो मैं अपने प्रमोटर के साथ में था एल्केमी में, लक्षित सांगवी, और मैं उनको प्रेजेंटेशन दे रहा था, एंड उनको एक वो डिजीज़ थी जो उनकी टंग थोड़ा ऐसे ट्विस्ट हो जाती थी, तो उनको कंटिन्यूसली नींद नहीं आती थी।
तो वो कभी भी स्नोर करने लग जाते थे, कभी भी उठ जाते थे, कभी भी स्नोर करने लग जाते थे, कभी भी उठ जाते थे प्रेजेंटेशन में. सो अब वो जब रुक गए तो मैं भी रुक गया. तो लसित ने बोला तू बोलते रहे. तो मैंने लगे तो सो रहे. तो बोलने का फायदा क्या है? बोले वो सब वो सुन रहे हैं. तो ये चीज मैंने उनकी नोट की. और वो जैसे ही उठते हैं वो बोलते हैं कि ये स्लाइड, तीन स्लाइड पहले तूने ये बोला, उस टाइम वो सो रहे थे. His grasp of numbers was at a different level. उन्होंने जो कंपनी एक बार देख ली, आप उस कंपनी का कोई भी नंबर उनसे पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे. He was superhuman of numbers. Completely superhuman. And the risk-taking capability. नंबर टू दैट ही हैड एंड द कन्विक्शन दैट ही हैड. वो जो लोग बोलते हैं ना कि नीचे आदमी निकल जाता है ऊपर, वो उनका कोई निकलने का होता ही नहीं था अनलेस अपॉर्चुनिटी स्टंट, बिकॉज हिज कन्विक्शन ऑन इंडिया वाज सो सो स्ट्रॉन्ग. इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इन एनी पीरियड ऑफ द मार्केट दैट ही यूज टू प्ले. एंड ही यूज टू बी ऑलवेज बाइंग व्हेन द अपॉर्चुनिटी इज राइट. एंड ही यूज टू ओनली सेल वंस ही फेल्ट दैट दैट अपॉर्चुनिटी इज नॉट राइट एनी. Not because market ye, market upar. Ye, this is not something that he will do. So there is a lot of learnings that Bhaiya gave us. And I think the top 2-3 was conviction in Indian markets. You know, dunia ke sare experts bol rahe hain ki agar ye India ka year nahi hai, India ka decade hai. Kahi bolte hain ye India ki century aa gayi hai abhi. Right? We are... Government of India is saying 2047 pe we will be the second largest economy in the world. First kona hai hame pata nahi, USA ke China hai. Hum to second hai. Right, you are talking about $3 trillion or $3.5 trillion market cap going to 30-40 trillion. Matlab bahut badi baat ho rahi hai. To ye jo pura phenomena hai ye, you know, bhaiya ne sikhaya, lekin unse badhiya insaan on numbers वो तो हमको सब शेम पे डाल देते थे. जो हमें मतलब हमने 10 बार देख के हम गए उनके सामने, वो एक बार अगर सुन ले उस नंबर को तो वो नंबर 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद भी याद रहेगा उनको. तो वो, अब वो मेरे हिसाब से वो थोड़ा एक सुपर नेचुरल पावर थी अगर उसको आप उस तरह से बोलेंगे. लेकिन ही हैड दैट एप्टीट्यूड टू नंबर्स. या आई हैव हर्ड कि वो मुझे भी किसी ने ये कहा था कि वो एक बार बैलेंस शीट दिखा रहे थे एंड ही रीड्स बैलेंस शीट्स लाइक दिस एंड फिर देख के रख देते थे एंड 5 मिनट्स के बाद किसी को पूछते थे ये इसमें से ये सही नहीं लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है. सो इट्स लाइक सो व्हाट वाज इट कि उनको सबसे इम्पोर्टेंट एक कंपनी में चाहिए होता था कि जिसके बेसिस पे अगर मान लीजिए 90% चीज़ें सही है बट वो अगर एक दो चीज़ सही नहीं है ना तो उनका मन नहीं करता है. व्हाट वाज दैट? प्रमोटर कन्विक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट. If the opportunity is right and you have the right set of promoters, then Bhaiya will not look here and there. Because sooner or later, that promoter will deliver. So, ये बहुत, आपके पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है. आपके पास गाड़ी है, दो ही चीज़ मैटर करती है उसमें. गाड़ी क्या स्पीड पे जा सकती है और कुछ चला कौन रहा है. राइट? अगर दोनों में से एक भी चीज़ गड़बड़ हो गई तो प्रॉब्लम है. तो ये दो जो दो चीज़ें होती हैं, विच इज़ अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी है और उसको ड्राइव कौन कर रहा है. प्रमोटर कन्विक्शन, बिजनेस कन्विक्शन, दीज आर द टू मेन थिंग्स. ओके, कमिंग टू पैशन, अभी जैसे आप डेटा साइंस ये सब, सो इट्स लाइक यू ऑलवेज हैड दिस डेटा के लिए पैशन कि मैं यहाँ से डेटा, यू नो, ये डेटा भी ले लूँ, ये भी डेटा ले लूँ. सो वेयर डिड दैट बिल्ड अप कि मुझे ये डेटा भी लाना है, वो भी डेटा लाना है, यू नो दैट मच? सी डेटा, हम लोग जो फाइनेंशियल सर्विसेज के फील्ड से होते हैं, जो हमारा टाइम निकलता है पूरा वो डेटा देखने को, हमारी सच्चाई ये होती है, और हम लोग बहुत बोरिंग लोग होते हैं, बहुत ही बोरिंग लोग होते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज. हमारी सच्चाई ये होती है कि डेटा ही एक चीज़ है जो सही बोलता है. आप किसी प्रमोटर से बात करेंगे, उसके कुछ ग्रोथ रेट्स होंगे, आप कुछ इंडस्ट्री में बात करेंगे, वहाँ पे कुछ अलग एनालिसिस मिलेगा. आप कोई एनालिस्ट से बात करेंगे, वो बोलेगा मेरे को तो अच्छी लगती है कंपनी. आप कोई अखबार पढ़ेंगे तो 4 अखबार अलग अलग चीज़ बोलेंगे. अब CNBC पे मैंने एनालिस्ट को आते हुए देखा है कि भाई तो बुल मार्केट हो गया. एक हफ्ते बाद सेम एनालिस्ट को मैंने देखा है कि तो बेयर मार्केट हो गया.
तो ये सब जो चीजें हैं जो हर कोई आके कंफ्यूज कर रहा है एजेंडा में, इसमें एक ही चीज झूठ नहीं बोलती है, वो है डेटा। और हम वो डेटा देखते हैं, हम बोलते हैं जो डेटा है वो सच्चाई है, आप कुछ भी बोलो। और इसमें हम फ्यूचर एनालिसिस करते ही नहीं है किसी चीज का। जब हमने मार्केट्स में जो चालू किया था तो बहुत इन्वेस्टर्स ने बोला कि ये जो फ्यूचर एनालिसिस आप नहीं करते हैं इसके अंदर, तो ये कैसे बैठेगा। आज हमारे जो रिटर्न्स हैं वो शायद इंडस्ट्री में सबसे अच्छे हों, हम फ्यूचर एनालिसिस कल देखते भी नहीं, क्योंकि जो डेटा हमारे पास नहीं है हम नहीं देखेंगे उसको। तो उससे क्या होता है कि आपको फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रही है, जिसका टेक्निकल हमें अच्छा लग रहा है, जिसके 5 साल के रिजल्ट्स अच्छे हैं, हमने वो ले ली। अब कल दो ही चीज हो सकती है उसमें, या तो उसका परफॉर्मेंस खराब हो सकता है या अच्छा हो सकता है, राइट। पूरी दुनिया लगी है ये दो चीज को एनालाइज करने में, आगे क्या होगा इसका, राइट। हम बोलते हैं कि पिछले 5 साल से ये कर रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इतना कुछ ड्रास्टिक नहीं होगा इसके अंदर अगर ये कंपनी अच्छी है तो, राइट। और अगर वो मार्केट को, मार्केट उसको रिवॉर्ड भी कर रहा है कंपनी, तो क्या होता है कि कई अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो हम मिस कर जाएंगे, कई टर्न अराउंड अपॉर्चुनिटीज जिसको बोलते हैं। कंपनी खराब करी थी एकदम से अच्छी कर रही है, वो हमें मिस हो जाती है क्योंकि हम उसको लेते ही नहीं है। लेकिन हमारा जो सक्सेस रेट है, अगर हमने 10 कॉल लिए हैं तो कितने कंपनीज में हम सही जा रहे हैं, वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये डेटा इज द ओनली थिंग दैट इज द रियलिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। आपको सीधे देखना है कि ये स्टॉक अच्छा है, इसमें क्या रिटर्न बन सकता है, मैं इसको होल्ड करूंगा, लंबा होल्ड करूंगा, जब मेरा एडवाइजर बताएगा तो बेच दूंगा, दूसरा ले लूंगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 5 साल से इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, एनुअल रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, बैलेंस शीट इज क्लीन, डेट नीचे है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, आज भी रिवॉर्ड हो रही है कंपनी, आपको कौन रोक सकता है उसमें पैसा बनाने से, राइट। सो यू एक्चुअली आपने इसे एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा कि यार ये सही है, क्योंकि लोगों को इतना डेटा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, एंड दिस इज द डेटा दैट इज लाइक द बिजनेस, दिस इज व्हाट यू हैव थॉट, राइट। वो डेटा, डेटा जब आता है तो एक्सचेंज से आता है, सर्विस प्रोवाइडर्स हमें डेटा देते हैं, उसको क्लेंज करना पड़ता है हमें, कई बार डेटा ठीक नहीं होता है, उसको क्लेंजिंग में बहुत टाइम लगता है, और उसके बाद हमारे वो जो डेटा साइंस की मशीन में जाके एंड देन वी स्टार्ट एनालाइजिंग, राइट। एक्चुअली आजकल सब लोग US मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत वैसा है कि यू नो एक्साइटेड रहते हैं, कि अगर बात करने के लिए भी बहुत ऐसा लगता है कि यार आप सिर्फ इंडिया में कहाँ इन्वेस्ट करना है, मैं तो US में भी इन्वेस्ट करता हूँ। इट्स लाइक अ टॉकिंग पॉइंट फॉर एवरीवन कि मैं तो अब US में भी इन्वेस्ट करता हूँ, ये है, बट इज इट लाइक रिटर्न्स देखते हैं क्या है, लाइक इज इट जस्ट दैट फैंसी थिंग कि नहीं यू नो किसी और मार्केट में हम यहाँ बैठ के इन्वेस्ट कर सकते हैं, right. अगर आप लंबा देखेंगे, इंडेक्स लेवल पे देखेंगे, तो पिछले 5-10 साल में US और डॉलर एडजस्टेड मैं बोलता हूँ इंडियन मार्केट रिटर्न्स, बिकॉज अगर आप डॉलर एडजस्टेड नहीं देखेंगे क्योंकि आप तो इंडिया में हैं, तो आपका रिटर्न US मार्केट से बहुत ज़्यादा होता था। डॉलर एडजस्टेड देखेंगे तो फिर भी 1% ज़्यादा होता था। तो आई थिंक अगर यहाँ से अगर आप आगे देखेंगे तो ये फैशन भी होता है ना, फैशन, मेरे पास एप्पल का फ़ोन भी है, स्टॉक भी है, तो वो थोड़ा एक फैशन स्टेटमेंट होता है। लेकिन ये जो मार्केट में हैं हम, अगर इस मार्केट में रह के हमने पैसा नहीं बनाया तो इसमें एक ही आदमी की गलती है, वो है मेरी, बिकॉज यू आर इन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी टूडे एज पर एस्टिमेट्स बाय एवरीबडी ऑन द स्ट्रीट टूडे दैट वी विल ग्रो इन द नेक्स्ट 10 years बाय 2x ऑफ द वर्ल्ड, राइट। असेट एलोकेशन में ना ये हो जाता है कि एक हो जाता है कि आप रिस्क के हिसाब से कर लो, ये सब हमारे ट्रेडिशनल चीज़ें चलती आ रही हैं कि आप 10% रियल एस्टेट, 10% गोल्ड ले लो, फिर बाकी का आप इक्विटी करो और फिर धीरे धीरे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। इज इट लाइक यही चलता आएगा, यू रियली थिंक कि यार असेट एलोकेशन यही होता था, यही है, दिस इज लाइक असेट एलोकेशन फॉर एवरीवन। देखिए भैया ने मकान बनाया अपना 50 साल की उम्र, वो अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी में रहते थे। मेरे को कई ऐसे इन्वेस्टर्स पता हैं जिन्होंने आज तक मकान ही नहीं बनाया अपना। तो ये हमारी नीड होती है मिडिल क्लास की और लोअर मिडिल क्लास की, ये हमारी नीड होती है, घर बन गया नहीं। तो आदमी आता है नौकरी करता है, वो नौकरी करते पहले आजकल तो मतलब थोड़ा जनरेशन चेंज हो गया, तो पहले गाड़ी ले लेता है वो, तो पहले वो गाड़ी ले लेता है, गाड़ी की EMI ख़त्म होती है तो उसके बाद घर ले लेता है। 35-37 साल तक या 40 साल तक उसका बोलता है अभी ठीक है, एक घर और एक गाड़ी हो गया, राइट। लेकिन आपने जो वो जर्नी मिस की उसके अंदर,
तो एंड द रियल एस्टेट रेट्स आर सच दैट आपकी जो सैलरीज में से जो ईएमआई जाता है उसके बाद आपका खर्चा करके आपके पास कुछ बचता ही नहीं है इन्वेस्ट कर। अगर आप 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है अज्यूम करने में कि आप 80,000 कमा रहे हैं? भाई प्रॉब्लम है कोई नहीं है। अब 80,000 में आपको जो ईएमआई लेना है, खर्चा करना है, करो ना। ये होता है डिसिप्लिन कि आपको घर भी लेने दो लो आप, लेकिन आपको दिमाग में सिर्फ यही करना है कि मेरी कमाई नहीं है ना, 1,00,000 की कमाई मतलब मेरा 80,000 कमाई है, 20,000 तो मेरे चले गए। आप ऐसे ही भी चालू कर दो ना, जो भी करना है आप कर दो, इक्विटी मार्केट में डालो, आपको जो करना है करो। लेकिन आपके पास, मैं यही करता था, 2 या 3 तारीख को मैं पैसे ही निकाल देता था अकाउंट से। यू वर सो डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू बी आप पैसे निकाल दो। हाँ, कॉलेज से नहीं, कॉलेज मैंने क्या बोला, वो झटका लगने के बाद। अच्छा, सो एंड कॉलेज में यू वर लाइक स्पेंडिंग या कॉलेज में, एज आई सेड, वी वर मोस्ट टाइम कितना होता था स्पेंड करने, चाहे वो कूलर की चाय मिल जाए तो बहुत होती थी। लेकिन वो जो आपका अजम्पशन है, मेंटल अजम्पशन, वो अगर आपने कर दिया पहले दिन से, यू नो, ये जो सब कंपाउंडिंग स्टोरी होती है। आज भैया का रिटर्न क्या था? भैया का रिटर्न, सीएजीआर रिटर्न वाज इन द रेंज ऑफ 14-17%। ऐसा नहीं है कि वो आए और उन्होंने कुछ, मतलब हर स्टॉक मल्टी बैगर, हर स्टॉक ये, उनसे सब लोग बोलते थे कि आप टाइटन टाइटन, भैया ने कभी बेचा ही नहीं। तो बोले अब उनका रिटर्न है 1,000-2,000%। तो अब ये सब चीजें कब होती है? जब आप नहीं बेचते हो। ये सब चीजें होती है जब आपने 20 साल से वो स्टॉक लिया हुआ है। लोग बोलते क्या मैजिक है? मैजिक नहीं है सर, डिसिप्लिन है। तो जहां कन्विक्शन है वहां पे तो फुल डिसिप्लिन के साथ जाना ही पड़ेगा, जाना ही है। काइंड ऑफ विदाउट लुकिंग हियर एंड देयर कि यार 5-10% इट्स लाइक फाइन। एब्सोल्युटली। क्योंकि इन्वेस्टर्स का ये हो जाता है कि आप मुझे कहते हो, पर मैं एक इन्वेस्टर से बात करती हूँ, मुझे कहते हैं कि आप ऐसे बोल देते हो 5-10% मत देखो, मेरा तो पूरे साल का, मैं 2 साल से होल्ड करके रखा हूँ मैंने, उसमें बनाई मेरा 8% है। तो अब आप कहोगे कि यार यू नो, आप मार्केट को देख लीजिए। अभी मैं दूसरे रूम में था, ये इंटरव्यू चालू होने से पहले हम अपने रिटर्न्स देख रहे थे, -5% भी है, 7% भी है, 75% भी है। ये एवरेज की, एवरेज सीएजीआर क्या निकला आपका? हाँ। आप 1-2 साल में एवरेज नहीं निकाल सकते। आईआरआर तो कैलकुलेट ही 1 साल के बाद होता है, तो मतलब कई फॉर्मूला तो कैलकुलेट ही 1 साल के बाद होते हैं, आप कैसे कर लेते हो उसको कैलकुलेट? तो ये जो आपको ये लगता है कि ये जो 75% जब मार्केट का रिटर्न आएगा ना, उस दिन तो मैं फुली इन्वेस्टेड हूंगा, होने वाला ही नहीं है। मार्केट 30% डाउन है, आप बोलोगे अरे ये तो 30% डाउन है, मैं नहीं कर सकता इन्वेस्ट, 30% डाउन, ये तो 50% हो जाएगी और नीचे हो जाएगी। मार्केट अभी 25% डाउन है, थोड़ा इम्प्रूव हो गई, आप क्या बोलोगे? ये तो अभी 30% डाउन थी, अभी 25% तो वापस आ जाएगी 30 पे। मार्केट 20% डाउन है, आप क्या बोलोगे? ये तो गिरने ही वाली है, अब तो इतनी ऊपर कैसे चलेगी? मार्केट फ्लैट हो गई, आपने बोला यार अभी यही सेम स्टॉक का भाव 2 महीने पहले इतने में मिल रहा था, आज इतने में तो महंगी हो गई। अब मार्केट 5% ऊपर है, आपने बोला ये तो यार बढ़ गया मार्केट, रिवेट करना चाहिए, करेक्ट होगा। मार्केट 30% ऊपर है, आपका स्टॉक 30% ऊपर है, आप क्या करोगे? यार ये तो अब सब पैसा बना रहे हैं, मैं ही बेवकूफ हूँ, आप डाल दोगे इसमें। सो जो इंसान ये कहता है ना कि आज मेरे पास थोड़े पैसे हैं लेकिन मैं क्या खरीदूँ, हाँ लेकिन वो क्या करूँ, अभी मार्केट में इन्वेस्ट करूँ, अभी SIP कर लूँ, अभी म्यूचुअल फंड खरीद लूँ, स्टॉक खरीद लूँ, 5,000 में तो ये स्टॉक मिल रहा है यार, यू नो, जब MRF 1,00,000 पहुंचा था, अगेन दैट वाज लाइक अ फैशन कि यार 1,00,000 रुपए का ये करना चाहिए, 1,00,000 रुपए का या कोई ऐसा स्टॉक लेके रख देना चाहिए, क्या करना चाहिए, इट्स अगेन अ फैशन। सो इट्स लाइक व्हाट डू यू थिंक, एक बंदा है वो सिर्फ बोलेगा कि यार मेरे को सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने, मेरे को नहीं पता क्या करूँ मैं? सी, जिसको पैसे इन्वेस्ट करने हैं उसको थोड़ा 2-3 चीजें देखनी पड़ती। एक आपको अपना थोड़ा टेम्परमेंट देख लेना चाहिए। टेम्परमेंट ये होता है कि क्या होता है अगर मेरे पास पैसा लॉस हो जाए तो हम ये जब भी इन्वेस्टर्स को बोलते हैं, हम उनको ये बोलते हैं कि ऐसा पैसा कभी भी आप मार्केट में मत लाइए जिससे आप बोलो यार मैं उधार लेना पड़ेगा मुझे किसी से, या आप बोलो यार मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। ये तो मतलब जो डिस्पोजेबल सेविंग है, जो आप बोलो कि मैं इसको साइड में रख सकता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, एक तो वो पैसा आना चाहिए। उससे क्या होगा कि ऊपर नीचे आपका वो, रात को 12 बजे उठोगे नहीं आप पसीने के साथ कि मैं कल क्या करूंगा, राइट? वो आपका है, चलो नीचे हुआ ऊपर हुआ, कहानी चलती रहेगी, तो वो थोड़ा प्रेशर कम कर देता है दिमाग पे एंड इमोशंस थोड़े कंट्रोल में आ जाते हैं। दैट्स योर रूल नंबर 1।
नंबर टू, अगर आप बोल रहे हो यार देखो ये डेली का अप डाउन मुझे नहीं समझ में आता है और मैं नहीं डील कर सकता हूँ, तो आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करिए, SIP करिए, म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करिए, वो आपको नॉर्मल इंडेक्स के टाइप का रिटर्न दे देंगे। और अगर आप बोलो कि यार मेरे को थोड़ा रिस्क लेना है और रिटर्न मेरे को ज़्यादा करना है, तो आपको इक्विटी मार्केट में आना चाहिए, एंड देन यू गो थ्रू एन एडवाइजर, और उसमें थोड़ा पोर्टफोलियो अप्रोच रखिए, स्टॉक अप्रोच मत रखिए। प्रॉब्लम क्या होती है ना, व्हेन यू सेड कि कोई सेल नहीं करता है, 60-70 का जब कंपनीज का पोर्टफोलियो बन जाता है ना, उसके बाद लगता है यार ये 50 स्टॉक, एंड आई एम सेइंग कि 70 में से ऑलमोस्ट 40 स्टॉक्स टू 50 स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपने प्लान नहीं किए थे लेने का, पर वो ले लिया, सोचा कि है, लेकिन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ता नहीं है। सो व्हाट वाज लाइक वन स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जहाँ पे आपने ना दिल पे ऐसा पत्थर रख के कि नहीं मुझे लग रहा है, लेकिन अब मुझे बेच देना चाहिए, निकल जाना चाहिए यहाँ से मुझे? There was a stock by the name of Mahindra CI, okay. जो मैंने जब खरीदा जब से नीचे ही आता गया, and I used to love that stock. क्या हम सबके एक favorites होते हैं, right. उनको पल्लू बोलते हैं हमारे, वो होते हैं favorite stock. तो वो जब वो stock बच्चे जैसा हो जाता है, मेरा बच्चा गलत कर ही नहीं सकता, चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा हुआ, तो वो stock नीचे आता गया, and finally one day I had to sell it. And I had to learn my lesson that whatever you're liking on a stock, right? There was एक हमारे ज़माना होता था कि लोग बोलते थे कि पापा ने इन्फोसिस दिया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा दिया है, HDFC बैंक दिया है, ये मैं अपने बच्चे को दूंगा। मतलब there was a time where you there are some handover stocks as we call, इसको मैं आगे हैंड ओवर कर सकता हूँ नेक्स्ट जनरेशन, वो नहीं है अभी टाइम। हमारा जो सेक्टर रोटेशन हो रहा है, हमारे जो नई कंपनीज आ रही हैं, हमारा जो वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, पूरा मोमेंटम हो रहा है, उससे आज वो टाइम नहीं रहा कि आप कोई भी एक कंपनी ऐसा 20 साल के लिए ले सकते हो। आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको एक्टिवली देखना पड़ेगा वो पोर्टफोलियो। एंड दूसरी बार जब महिंद्रा CI मैंने खरीदा, सो वो पुराना था कि वापस आया, राइट, लेकिन अंदर से मेरे को बहुत उसको खलिश बोलते थे, that you know I used to think that ye stock aage jayega ki nahi jayega, to but that stock made a lot of money then after I sold, yeah. To apna job yahi hai ki whoever advisor, you know, 5 paisa markets mein jo whoever is your advisor, follow that advisor and make sure that you are following on discipline and you don't get moved very easily, because it's not just when to buy but when to sell, aur ye yahi ho jata hai ki hame lagta hai ki yaar रख देते हैं क्या फर्क पड़ेगा, 10 साल में तो इसमें पैसा बन जाएगा, पर वही हो जाता है कि यार आप बेच तो नहीं पाते हो। बट लाइक वन और टू थिंग्स जब आप कंसिडर करते हो आप अपने पोर्टफोलियो के लिए, लाइक इवन फॉर द मार्केट्स एंड लाइक योर कंपनी पोर्टफोलियो, योर पोर्टफोलियो आप कंसिडर करते हो कि ये चीज हो गई ना, कुछ भी हो जाए मेरे को बेचना है इसमें? तो सी देखिए, हम पोर्टफोलियो लेवल पे तो एक लॉस मेकिंग ट्रिगर होता है, इसको बोलते हैं वार, वैल्यू एट रिस्क, राइट। So we have a certain trigger or at a portfolio level. कि अगर आपका stock, you have done the best effort of picking the best stock, but your stock is not being rewarded. आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप you can't be जिद्दी in this कि ये stock तो अच्छा करेगा ही करेगा, right? Because वो जो impact होता है on your portfolio, अगर वो stock 30-40-50% टूट जाए, वो जो recovery उसकी बहुत मुश्किल हो जाती है दूसरे stock से, right? So, एक हार्ड ट्रिगर हम हरदम रखते हैं अपने पोर्टफोलियो, हर इन्वेस्टर का अपना वार होता है कि मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ रिस्क, राइट। और हाँ, ये एक क्लासिकल मिस्टेक होती है जो इन्वेस्टर्स को शुरू से मैंने देखी है पिछले 20 साल से करीबन। आपने एक स्टॉक लिया, आपने बोला एक वीक में बेच दूंगा, आप ट्रेडर हो, वीकली ट्रेडर हो, आपने बोला इसको मैं स्क्वायर ऑफ से कर दूंगा एक वीक के अंदर, 100 रुपये में लिया आपने, आपने बोला स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, आपने किस लिए लिया था, एक वीक के लिए स्क्वेयर ऑफ करने के लिए, आपने कोई फंडामेंटल देखा, नहीं देखा, उस पर ट्रेडिंग कॉल था वो, तो आपने ट्रेडिंग कॉल ले लिया। अब वो जब 98 पर आता है, जब आपका इंटरनल ट्रिगर हिट हो गया, बिकॉज ये वीकली था तो इसमें 20% का ट्रिगर नहीं रख सकते, 2-3 रुपए का जो ट्रिगर आ गया, तो आइडली आपको बेचना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक जो मैंने 25 साल से देखा है आज, वो उसकी डिलीवरी ले लेते हैं, इसको भैया आपका फंडामेंटल क्या था इसके ऊपर, मेरा फंडामेंटल ट्रेडिंग का था इसके ऊपर, राइट, आपने डिलीवरी क्यों ली, क्योंकि वो नुकसान नहीं लिया जाता है,
और मैंने आपको जो बताया कि जो आदमी इक्विटी मार्केट में नुकसान नहीं ले सकता है वो पैसा नहीं बनाएगा। चैट जीपीटी यूज किया आपने? बिल्कुल, रोज करता हूँ। डाल देता हूँ तो हाँ, तो थोड़ा वो उसकी लैंग्वेज ठीक कर देता, मेरी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं तो वो ग्रामर ठीक कर देता है मेरी तो, but mostly the questions that I've asked, frankly, I've not got answers of it because it is there's a data limitation. 2020-2021 तक का ही data है और वो analysis नहीं दे रहा है। उसके बाद जब वो launch हुआ था तो you know some of the things went wrong, so there is no analysis. तो हमारे ज़्यादा वो काम का नहीं है in financial services, but हाँ कई बार कोई term नहीं सुनता हूँ तो उसका definition ये कैसे होता है, अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा, वो मेरा personal tutor बन गया है। तो वो इट्स लाइक अ डिक्शनरी टू यू, Q&A करता रहता हूं मैं उसके साथ में, बट या दैट यूज इज, बट आई यूज इट एवरी डे, या बट दैट्स लाइक अ डिक्शनरी पर्पस, वो ज्यादा है कि पूछ लो कि व्हाट इज दिस, हाउ डज, जैसे मैंने देखा कि अगर ये अरे ऐसा हो गया तो ऐसा होता है तो इसके और इसके बीच में कभी कोई कोरिलेशन होता है क्या, तो ऐसा पूछ लिया कुछ, तो उसने बोला हाँ हुआ था कोरिलेशन, तो वो कोरिलेशन लेके फिर मैं अपनी टीम के पास पहुंच जाता हूं। मैंने बोला यार ये तो बोल रहा है होता है कोरिलेशन, कैसे होता है, अब जवाब मिल गया, पीछे सवाल अपन टेस्ट करके देखते हैं कि कितना होता है, कैसे हो सकता है, तो वो सब चीजें। ओके, बट ये क्यों कह रहे हो आप कि नहीं फाइनेंशियल मार्केट्स में लाइक द होल एआई, बिकॉज यू नो द वर्ल्ड इज मूविंग, लोगों को लगता है यार एआई आ जाएगा हम क्या करेंगे, एंड पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो आई थिंक लाइक यू नो एआई बेस्ड एंड सी, हमारा तो हम तो यही है, हां हम तो वो कर ही रहे हैं। आपने तो उस टाइम पे लाइक व्हेन यू थॉट ऑफ मनी कंट्रोल दैट सीड इटसेल्फ वाज कहीं ना कहीं, या सो आई पर्सनली बिलीव दैट एंड दिस इज अ फर्म बिलीफ दैट डेटा विल मैटर अ लॉट, डेटा मैटर्स अ लॉट बिकॉज़ अभी ये एक हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है जिसमें आपने बोला इसने इसको हराया था और इसने उसको ऐसे हराया था, क्यों किसने देखा भाई, जो चीज़ दिखती नहीं है वो आप कुछ भी लिख सकते हो उसके ऊपर, हमारा क्या परफॉर्मेंस दिखता है। सो हम लोग अनलेस वी आर कन्विंस्ड कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और वो परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है तो हमें करेक्ट होना पड़ता है। तो हमारा कन्विक्शन ओवर 8 ईयर पीरियड, अभी ये मार्केट्स में जो इज बीन 8 ईयर्स ओल्ड, हमारा कन्विक्शन बढ़ता जा रहा है कि हम जो कर रहे हैं इट कैन बी डन बेटर, इट कैन बी फर्दर डन बेटर, और कोरिलेशन देखते हैं और क्या कर सकते हैं। लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या, एक कंट्री में एआई का डेफिनेशन ही अलग है। हम एक म्यूचुअल फंड की वेबसाइट खोल देते हैं, वो जैसे एक्सेल शीट पे हम दिखाते हैं ये 3 फंड है, वो दिखा देते हैं, बोलते हैं ये है रोबो एडवाइजरी, ये है एआई, पूरा मतलब मट्टी में कर दिया उसको डेफिनेशन को। एआई जो डेटा साइंस होता है वो सेल्फ लर्निंग होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो इतने पैरामीटर्स को एनालाइज करता है और उसका बताता है आपको कि क्या करना चाहिए, और वो जो रिजल्ट आता है जब आप देखते हो उस रिजल्ट को एक बड़े स्क्रीन पे, तो आपका रात भर को, रात को 2-3 बजे भी आपको नंबर दिखते हैं, राइट? सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फील्ड, एंड आई थिंक लास्ट माइल ह्यूमन इंटरफेस आता है उसके अंदर, बिकॉज आज फॉर एग्जांपल एआई में सजेस्ट यू अ कंपनी, देर इज नो वे टू मेजर दी, एज आई टोल्ड यू, आपने पहले मुझसे पूछा था कि दो चीज भैया क्या देखते थे, मैंने बोला बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड प्रोमोटर। मैं कुछ भी कर लूं डेटा से, मुझे प्रमोटर का इंटेंट नहीं पता लगता है। बहुत बड़ी चीज है, एक पूरा का पूरा फैक्टर इज आउट। तो आई थिंक जैसे इलॉन मस्क ने बोला है दैट एआई दुनिया को खत्म नहीं करेगी, लेकिन जो एआई यूज करेगा ही विल बी मोर पावरफुल। आप खुद इतना जब डेटा में पूरे दिन आप रहते हो, डोंट यू गेट लाइक वेरी ओवरवेल्म्ड बाय द डेटा? अगर इतना डेटा है, लाइक समटाइम्स आई गेट दिस फीलिंग यार यहाँ से मुझे ये आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, आज ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, यू नो आई वॉन्ट टू, लाइक मुझे ये भी लगता है कि यार ये ग्रुप में से कुछ पढ़ लूँ, ये ग्रुप में से यार ये आया ये पढ़ लूँ, बट देन एट द एंड ऑफ लाइक 2 आवर्स यू आर ड्रेन्ड आउट इतना डेटा से, यू आर जस्ट सो ड्रेन्ड आउट, एंड नाउ एआई तो अब उसके इंटीग्रेशन से तो और डेटा हो जाएगा। सो लाइक you know how do you narrow yourself down? See, आपको कई चीजें छोड़नी पड़ती है। डेटा हम बोलते हैं एनालिसिस, मोर एनालिसिस इज पैरालिसिस।
आप जितना ज्यादा किसी चीज को एनालाइज करेंगे वो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे उसके अंदर। ये रोड में जाऊंगा तो वहां से गाड़ी आ रही है, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, इधर से साइकिल आ रहा है वो ठोक देगा मुझे, तो अगर आप यही सोचते रहेंगे तो आप एक कदम भी आगे नहीं लेंगे, राइट। सो डेटा एनालिसिस टू एन एक्सटेंट, डेटा साइंस इज फाइन, बट इफ यू गेट टू ओवरवेलम्ड विद इट कि मैं सिर्फ यही देख के काम करूंगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा एक पोर्टफोलियो लेवल पे ट्रिगर पे कम से कम हमने 2 से 2.5 महीने काम किया। आई यूज टू बी लुकिंग एट डेटा फॉर 3 to 4 hours फॉर 2 to 2.5 months। वो नहीं हुआ क्रैक। तो व्हेन आई वाज सिटिंग विद द टीम और उन्होंने बोला बॉस अब क्या करें, मैंने बोला छोड़ दो इसको, ये नहीं होगा क्रैक। बोले नहीं सर को और कुछ करते। मैंने बोला यार अभी देखो अगर होना होता था तो हो जाता था, हम शायद सोच ही गलत डायरेक्शन में रहे हैं, क्योंकि डेटा अगेन इज नॉट रॉन्ग। हम जो फॉर्मूलाज लगा रहे हैं, हम जिस तरह से डेटा को देख रहे हैं वो गलत है शायद। तो कई बार हमें लगता है वो बिंगो गाइड, देखा आपने डेटा वो ट्राइंगल, वो एक बिंगो गाइड होता है, कई बार ऐसा लगता है हमें घूमता रहता है हर डायरेक्शन से अलग दिख रहा है, इधर से सेम दिख रहा है, इधर से भी देखा कभी इधर, तो बिंगो की तरह हम देखते रहते हैं डेटा को। At a certain time, you have to cut down and you have to basically say, okay, this is fine. I'm fine with this. And there must be at least 100 times in the last 8 years where I've gone in front of my investors and I've said, galti ho gayi. Maaf kar dijiye. Galti ho gayi humse. To ab koi call galat aa gaya to aa gaya. तो अभी इन्वेस्टर बोलते हैं, तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारी एक इन्वेस्टर की जो पूरी एक फैमिली है, ब्यूटीफुल इन्वेस्टर्स, अमेजिंग इन्वेस्टर्स, राइट, हमसे डेली इंटरेक्शन करते हैं, तो वो हमें बोलते हैं मोहित इट्स ओके, छोड़ना नहीं इसको, इस तरह से करके देखो, इस तरह से करके। तो हमारे इन्वेस्टर्स हमें बताते हैं आजकल, नए नए आइडियाज देते हैं, कितने आइडियाज हमारे। आई वुड नॉट शाय अवे टू से 30-40% ऑफ माय आइडियाज हैव कम फ्रॉम माय इन्वेस्टर्स। एक एआई को सीजनिंग होने में 10 से 15 साल लगते हैं। बचपन में एक लोग बोलते थे, मेरे फादर पिताजी मुझे बताते थे, नया कपड़ा लिया आपने, मैं बोलता था बहुत अच्छा है पापा, बेटा कपड़े का रंग धुलने के बाद ही पता लगेगा। तो अनलेस द टायर हिट्स द रोड एज यू कॉल इट, कि कपड़े की क्वालिटी क्या है बेटा, वो तो पहली धुलाई के बाद पता लगेगी। तो Hopefully, हम लोग बिजनेस में रहेंगे, वो करते रहेंगे। Definitely. पर वहाँ से like from so many years, what is like 3-4 like आपके greatest challenges जो आपके लगे कि यार ये पता नहीं कल उठ क्या ये पार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, like those challenges जिसको पार करके आपको लगा कि oh God, now I can do something. See, क्या होता है कि पहले मैंने एंटरप्रेन्योरशिप भी किया है, अपनी कंपनीज भी की है, दूसरों के लिए भी नौकरी की है, और दूसरे लोगों के लिए जब मैंने नौकरी की तो बहुत सीनियर पोजीशन भी की है, सीईओ पे, डायरेक्टर लेवल पे। तो जो पहली चीज मुझे जो जिसने सबसे बड़ी डिसअपॉइंट की थी, और कि आप जब अपना काम चालू करते हैं, जैसे मैंने 2015 में वापस से चालू किया, और उससे पहले मैं ग्रुप सीईओ होता था, डायरेक्टर होता था, राइट, आप बोलते हैं ये 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 4 आदमी work with me, right? And all 4 people have worked under you. You made the careers. They've worked with you for 15-20 years. लेकिन वो जब गद्दी पीछे से चले जाती है, ये जो डेटा का जो सेंस है इन इंडिया, दिस ऑल्सो इज अ चैलेंज, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो वॉट एक्चुअली आई इज। सो वेन वी आर हायरिंग, वेन टेल पीपल दैट हम ये कर रहे हैं, किसी को समझ नहीं आता था। हमने कई इन्वेस्टर्स से बात किया कि हम ये कर रहे हैं, एवरीवेयर वाज कि ये हो ही नहीं सकता है। तो ये जो जब आप कोई चीज बनाने जा रहे हैं जिसका कि आपको कोई पैरेलल नहीं मिले, लेकिन हमें इसमें वर्ल्ड वाइड कोई पैरेलल नहीं था, कोई ये नहीं कर रहा था उस टाइम, आज भी नहीं कर रहा है। तो उस टाइम आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते, राइट, आप किसी की गलतियों को देख के वो वापस से गलतियां नहीं करूंगा वो नहीं कर सकते, आपको अपनी गलतियां करनी है, आपको ही सीखनी है, कोई आपसे सीखेगा। And I think the most difficult thing for us was that हमने इसमें कभी भी किसी का पैसा नहीं लिया, और when you create something with your own money, हमको खुद को, मेरे को और जॉयसन को 10-15 step पीछे आने पड़ा on our own earnings. You've never borrowed money, no loan. This was like always. No.
in you ki main kabhi no, we've not borrowed money on any of this is interest. Like you that you don't like yeah. borrowing money no, no it, loan it, you can't do it aapka wo bolte hai na flesh in the game hum to pure game mein ghus jate hain ki agar aap usme nahi ho to fir aur jab tak hame खुद के पैसे हमको खुद का ऐसा मैंने आपको बताया जैसे मनी कंट्रोल चालू हुआ मार्केट्स मुझे चालू हुआ दोनों मुझे लगा ये सोशल एक्टिविटी पता नहीं पैसा बनाएंगे नहीं किसी और का पैसा क्यों डुबाना राइट दैट्स अ मॉरल रिस्पांसिबिलिटी दैट यू हैव व्हाई डू यू नीड टू डू दैट सो नाउ व्हाट नेक्स्ट होपफुली दिस कंपनी विल डू आईपीओ वी आर लॉन्चिंग आवर ओन पीएमएस सून वी विल लॉन्च अ म्यूचुअल फंड वी विल गेट इनटू एसेट मैनेजमेंट We will get into global advisory across the globe, 74, 75 countries we want to reach. और किसी दिन IPO करेंगे, नहीं भी किया तो dividend कमाएंगे. Fingers crossed. काम करते रहेंगे. Definitely, I will be there to buy that yeah. IPO. Definitely. Thank you. Yes. Thank you so, much. So definitely best of luck for that. Now coming to the final retailer, क्योंकि यार ये हो जाता है कि retailer से ही पूरा market है. Right. So first. जब हम ये कहते हैं कि चलो रिटेलर को लगाना है अब एफएनओ करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार अगर मैं 10 रुपये का शेयर खरीदूँ उससे बेटर मैं एक कॉल ले लेता हूँ उसमें मेरे ज़्यादा पैसे बन सकते हैं सो इवन अ रिक्शा ड्राइवर विल गो एंड बाय अ कॉल एंड द पुट सो फर्स्ट यार लगता है आपको अभी नेक्स्ट 10 ईयर्स में नाउ रिटेलर्स हैव बिकम दैट सेंसिबल कि अब धीरे धीरे समझ रहे हैं दे विल मेक मनी एंड यू नो जितना हम पहले बोलते थे कि सिर्फ एफआईआई वहाँ के चलाता है बट नाउ रिटेलर्स पैसा बनाएंगे अकॉर्डिंग टू मी रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा ज़रूर बनाएंगे लेकिन ठोकर लगने के बाद बिकॉज मेरे को मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इंडस्ट्री एक थोड़ा शेप चेंज कर रही है जो सीरियस एक्विटी इन्वेस्टर्स टू नाउ अगर आप एवरेज एज देखें वो 27-28 तक आ गई है तो ये थोड़ा यंग इन्वेस्टर्स हैं यंग इन्वेस्टर्स थिंक दैट आई कैन टेक रिस्क द डेफिनेशन ऑफ रिस्क इज नॉट लेवरेज अगर आपको रिस्क लेना है आप स्मॉल कैप लो ना डिलीवरी पे लो बैठो उसको लेके अब छोटी कंपनी लो दैट कैन बी अ रिस्क लेकिन टू टेक लेवरेज आई एम नॉट अ प्रीचर ऑफ दैट दैट यू शुड बी टेकिंग लेवरेज आई हैव नेवर इन माय लाइफ आई शुड टेल यू दिस मैं मैंने अपना करियर आज 27 साल से चालू किया मैंने एक भी एफएनओ ट्रेड नहीं किया एक बार मैंने लेवरेज नहीं लिया मगर एक भी बार Okay. Never. So never traded in never, options. Never. किसी के पैसे पे ट्रेड नहीं करूंगा If I have traded with my own money. Okay. I've traded. Not with someone else. No, leverage लेके. Okay. और when I have traded also मैंने FNO में नहीं किया मैंने अपने directly weekly सुबह लेके शाम को बेचने की कोशिश intraday वो सब किया मैंने लेकिन leverage. But because it's so वो it can finish you. One wrong trade can finish your life. And life's earnings. So be very careful when you are trading on levered money. And I personally feel that ये जो आज की generation है, like मेरे दो बेटे हैं, वो दोनों यहीं पे internship करते हैं, whenever they feel like. And what I'm realizing is that the intellect is so good. मतलब ये जो minds अभी 27-28 year old, 30-35 year old people have is so good. या तो ये मेरी एज है लेकिन मैं उस एज में ऐसा इतना तेज नहीं सोच सकता था जितना ये लोग सोचते हैं बिकॉज यू नो स्पीड ऑफ एवरीथिंग इज इंक्रीज्ड देयर थॉट प्रोसेस देयर थिंकिंग स्पीड इज आल्सो इंक्रीज्ड इफ दे यूज इट वेल अकॉर्डिंग टू मी दे कैन क्रिएट वंडर्स फॉर देमसेल्फ इन इक्विटी मार्केट बट थोड़ा ग्रीड को कंट्रोल करके थोड़ा पेशेंस बढ़ा के यूज योर माइंड एंड जस्ट कीप गोइंग परफेक्ट सो विद दैट वी एंड अप दिस शो Thank you so much for joining with us. I had a pleasure talking to you and it's been wonderful. Thank you so much. And I hope investors listen to this. And I always say that hum ek ghanta bhi bolein to ek cheez bhi unko agar pasand aa jaye to badhiya hai. So, you know, Definitely. That is all good. Thank you so much for your time. And wish you all the very best. And I wish ki aapka IPO jald se jald aa jaye. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mohit, so much.